वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YT एजुकेशन पे। बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए रोज मॉडल टेस्ट पेपर सेट लेकर आ रहे हैं, तो आज मॉडल टेस्ट पेपर है 47, इसको अटेंड कीजिएगा। यहाँ पे कुछ स्पेशल है आज आपके लिए, और ये 100 क्वेश्चन का सिनारियो जहाँ पे आपको GK, GS, करेंट अफेयर, स्टैटिक GK और बिहार स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो इस क्यूज को अटेंड कीजिए। आपके एग्जाम के पैटर्न पे ही इसको तैयार किया जाता है। चलिए लेकर चलते हैं आपको उन सभी प्रश्नों पे जो कि आज आपसे पूछे जाएंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज चैनल पे जाएं तो सब्सक्राइब के इस रेड कलर के बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि सुबह में जो आपको बिहार दरोगा और बिहार सिपाही के रिगार्डिंग एक टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है, जो कि अगर आपको नहीं पता है तो जान लीजिएगा सुबह 10 बजे आपको ये टेस्ट सीरीज दे दिया जाएगा, जिसमें कि कुल 50 ऐसे प्रश्न होंगे जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड होंगे, चाहे वो किसी भी पैटर्न पे हों, GK हो, GS हो, या करेंट अफेयर हो, या स्टैटिक हो, या फिर बिहार स्पेशल हो। ये टॉप 50 क्वेश्चन आपको रोज यहाँ पे दिए जाएंगे सुबह के 10 बजे। तो इस वीडियो को भी देखना आप लोग ना भूलें, इसका PDF लेना ना भूलें। PDF आपको YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं अब आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों, आपके सामने ये रहा। दोस्तों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? क्योंकि मैं आपको एक चीज़ और पहले बता देना चाहता हूं, जो ये मॉडल टेस्ट नंबर 47 है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ये प्रीवियस ईयर है 2008 का। क्योंकि अब देखिए यहां पे बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि 2008 से 2019 का कितना गैप है सर, या ये क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर जो साइंस के क्वेश्चन हैं, GK के क्वेश्चन हैं, और स्टैटिक GK जो बन चुका है वो क्वेश्चन अब है ना, ये तीन टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की डिमांड बहुत दिनों से हो रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए जाएं, तो यहाँ पे आज ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि बिहार SSC के दरोगा यानी कि पुलिस अवर निरीक्षक का एग्जाम हुआ था 23 अप्रैल 2008 को, उसका ये शॉर्ट पेपर है। चलिए अब आंसर कीजिएगा दोस्तों आप लोग। यहां पे भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी। जी हां, राष्ट्रपति करता है। पॉलिटी से ये क्वेश्चन है, आंसर नोट कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, भारत की देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि जो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, पहले क्वेश्चन के अनुसार राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति भी करता है, प्रधानमंत्री, सलाहकार जो कि मंत्रिपरिषद का होता है, सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का भी ये नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और भारत के नियंत्रक और महालेखा के परीक्षक को भी ये नियुक्ति करते हैं, साथ ही साथ भारत के हर एक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिएगा। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो देखिए यहाँ पे 2008 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये 2008 का क्वेश्चन है। यहाँ पे अभी वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम नहीं दिया गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनका नाम रामनाथ कोविंद है, जो कि इससे पूर्व बिहार के राज्यपाल भी थे, ठीक है, रामनाथ कोविंद याद रखिएगा। और ये ऑप्शन यहाँ पे 2008 का दिया हुआ था, तो आपको यहाँ कमेंट करके बताना है कि 2008 में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 3 का आंसर आप लोग ऐसे लिख के, ठीक है, क्योंकि मैंने 3 का आंसर बता दिया है कि अभी रामनाथ कोविंद हैं और इसके पूर्व ये राज्यपाल भी थे बिहार के, ठीक है, रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं? चलिए भारत के 23वें जो सेना प्रमुख बने थे दोस्तों, उनका नाम था दीपक कुमार, लिख लीजिएगा। और 24वें सेना प्रमुख बने हैं विजय कुमार सिंह, ठीक है, ये भी नोट कर लीजिएगा। और भारत के 25वें सेना प्रमुख बने हैं विक्रम सिंह, ठीक है, ये याद रखिएगा। और वर्तमान में यानी कि अभी फिलहाल सेना प्रमुख कौन है, तो जनरल विपिन रावत। कौन है? जनरल विपिन रावत, याद रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, मैं सारे नाम बताऊँगा, लिखते रहिएगा साइड में, PDF में ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी।
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं है, इन चार ऑप्शन में बताइएगा। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, जो बालकृष्णन है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बने हैं, याद रखिएगा। उस अभी आपको बता दें कि भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश हैं दीपक मिश्रा हैं, और प्रश्न के अनुसार जो कि आंसर यहाँ पे सी होगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जो नहीं बताया गया यहाँ पे, ओके। और भारत में कुल मिलाकर अभी तक 45 ऐसे मेंबर यानी कि व्यक्ति हैं जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा कर चुके हैं, ठीक है। हाल ही में अभी 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में दीपक मिश्रा ने पद संभाला है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। आंसर होगा यहाँ पे विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल 5 सालों का होता है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों। बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है, यानी कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए उतना ही, तो आंसर यहाँ पे कीजिएगा तांतिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, क्या नाम है, तांतिया कंस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। जूट के उत्पाद में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है, तो जूट के उत्पादन में अगर देखें तो जिला कटिहार जो है ये सबसे आगे है जूट की खेती के लिए, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो लिख लीजिएगा गोल्डन फाइबर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, गोल्डन फाइबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के क्षेत्र के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था, तो आंसर कीजिएगा 9th का दोस्तों, जिला आरा से, क्योंकि ये उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और 1857 की एक महान क्रांति के प्रमुख केंद्र भी नायक थे कौन, तो हमारे वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नव निर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा देखिएगा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ये बनाए गए थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स अ सी, यानी कि 60% का जो क्षेत्र है हमारा वो बिहार में कृषि के क्षेत्र को दर्शाता है, ये आंसर होगा यहाँ पे। भारत में महान्यायवादी को कौन हटा सकता है, तो भारत में महान्यायवादी को राष्ट्रपति ही हटा सकते हैं, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 76 भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी निवास करते हैं यहाँ पे इसी, और राज्य की जनसंख्या जो कि है, और माफ़ कीजिएगा, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और किसी भी भारत के किसी भी महान्यायवादी के पद का वर्णन 76 आर्टिकल 76 1 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, बिहार में कितना प्रतिशत साक्षरता दर है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा। चलिए तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 47.53%, ये 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे ये सारा विवरण दिया गया था इसका, ठीक है। याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार ये जो है जन यहाँ पे जो साक्षरता दर है वो 61.8% हो चुकी थी 2011 की जनगणना में, पर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रह चुके हैं, आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे 14 का आंसर बी, हॉकी से ये संबंधित हैं खिलाड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और आपको बता दें कि इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सिरसा के बचपन का नाम क्या था, चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों इट्स ए फरीद, क्या नाम था इनका, फरीद खान नाम था, और सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशीय शेरशाह सूरी थे, ठीक है। 1472 ईस्वी में बजवाड़ा जो होशियारपुर है वो आपका इनका जन्म स्थल था, 1472 में बजवाड़ा होशियारपुर में, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों इनका, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी,
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैं बता चुका हूँ इसका आंसर आपको बताना चाहिए। यहाँ पे जल्दी से नीचे कमेंट कीजिएगा, जितने लोग जुड़ रहे हैं एक दूसरे को शेयर कीजिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और मैं जो लेटेस्ट इसका आंसर होगा वो भी बता रहा हूँ, इसलिए ये क्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आंसर होगा दोस्तों 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया गया था। इसकी सबसे पहले बैठक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे, व्याप्तगत का सिद्धांत कौन से किससे संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे आप लोग, 17 का आंसर हो जाएगा, इट्स अ डी, लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। दोस्तों भारत का प्रथम वायसराय कौन था? 18 नंबर का आंसर कीजिएगा जल्दी से, 3 सेकंड है आपके पास। आंसर होगा डी, लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये प्रथम वायसराय थे और इसके समय सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 1857 का ऐतिहासिक विद्रोह। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? चलिए आंसर कीजिएगा जल्दी से, टाई ब्रेकर ये किस खेल से संबंधित है? तो 19 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट्स अ डी, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, फुटबॉल और हॉकी दोनों में ही इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत के प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन थे? जल्दी से आंसर कीजिएगा, 20 का आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे कुमार गुप्त। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुंगेर में से किसकी राजधानी थी? मुंगेर जो थी वो किसकी राजधानी थी? 21 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, मीर कासिम। ये कल ही बताया था मैंने क्वेश्चन आपको, देखिए क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे आए हुए हैं क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में, तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, इसलिए इस वीडियो को देखिए और साथ ही साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम क्या था? तो नोट कर लीजिएगा, इनकी माता का नाम था बीबी जैला। ठीक है, क्या नाम था इनका? बीबी जैला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 23, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? ये दोस्तों आपको बता दें कि आंसर मैं बता चुका हूँ आपको, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था दोस्तों बिहार के जिला पूर्णिया में, तो ये बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। और इनका जन्म दोस्तों 1921 में हुआ था, ये भी नोट कर लीजिएगा, है ना। कामयानी पुस्तक के रचयिता कौन थे? चलिए कमायनी, एक्चुअली कमायनी जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है, कौन थे? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आंसर क्या कीजिएगा? जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, आंसर करते रहिएगा फटाफट आप लोग, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा? और दोस्तों एक दूसरे को शेयर भी कीजिए वीडियो, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। अर्थशास्त्र के पुस्तक के लेखक कौन थे दोस्तों? ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, ये थे कौटिल्य, जिनको कि चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 26, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? चलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा स्टार मार्क के साथ। 26 का आंसर कीजिएगा, भगत सिंह ने दिया था नारा, इनकलाब जिंदाबाद। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 27 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बक्सर का युद्ध हुआ था दोस्तों 1764 ईस्वी में, और ये हुआ था दोस्तों, आंसर कीजिएगा ए, मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28, चलिए बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं, याद रखिएगा। और कुल जिले अगर पूछ दे, जिला कितना है, तो 38 जिला हो गया है टोटल। और बिहार में विधानसभा परिषद की संख्या कितनी पूछे, तो 75 बता दीजिएगा, याद रखिएगा, लिख लीजिए ये सबको। और बिहार में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 40 बता दीजिएगा, ये याद रखिएगा। और बिहार में कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या, तो विधान परिषद और विधानसभा में कभी कंफ्यूज मत होइएगा, विधानसभा में सदस्यों की संख्या है 243। ठीक है, और बिहार राज्यसभा की सदस्यों की संख्या 16 है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों,
दोस्तों आंसर कीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या, 2011 की जनगणना का क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यहाँ पे मार्क कर दिया गया है 2011 की जनगणना की। देखिए एक की अगर पूछता यहाँ पे, ठीक है 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पे पूछता तो आपको बताना था 8,28,78,796। और अगर 2011 का यहाँ पे पूछा गया है तो यहाँ पे 2001 ही है दोस्तों, ठीक है ये आपको आंसर यहाँ पे इसका हो जाएगा ये ए, ठीक है। और 2011 का अगर जनगणना के अनुसार पूछे तो आपको बताना है 10,40,00,000, जी हाँ 99,452, ठीक है ये जनसंख्या है 2011 के अनुसार। ओके अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार अगर देखें बिहार जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य होगा। सितारा देवी किस विद्या से संबंधित थी? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी मधुबनी पेंटिंग। याद रखिएगा मधुबनी पेंटिंग और लोक नृत्य से संबंधित थी सितारा देवी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पटना हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, इसलिए आंसर आपको देना होगा ए 1911 ईस्वी में 9 फरवरी को इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आंसर कीजिएगा 32 का आंसर दोस्तों यहाँ पे पावापुरी में हुई थी। जी हाँ जैन धर्म की अंतिम तीर्थकर थे पावा महावीर, जिनकी मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व जी हाँ हुई थी। कहाँ पे? तो पावापुरी जो कि अब राजगीर में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, लुम्बिनी कहाँ पे है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन सारे के सारे देखिए ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे बिहार स्पेशल है, तो आंसर कीजिएगा 33 का दोस्तों यहाँ पे नेपाल। जी हाँ लुम्बिनी जो है अभी नेपाल में है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड देश का कौन सा राज्य बना था बंटवारे के बाद? तो 28वां राज्य बना था 15 नवंबर 2000। जी हाँ 15 नवंबर 2000 में इसका बंटवारा किया गया था, किससे? तो बिहार से, और ये 28वां राज्य बना था, आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से आंसर कीजिए, बिहार में लोकसभा की जनसंख्या, लोकसभा सीटों की संख्या, चलिए मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, आंसर डी हो जाएगा 40, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है अब बाकी सारी चीज़ें मैं तो बता दिया था, यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी कितनी है याद रखिएगा। 36 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कीजिएगा 8 मार्च को, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, टाइम नहीं है आप लोगों के पास अभी, ठीक है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अभी करने हैं, ठीक है आंसर कीजिएगा दोस्तों 8 मार्च। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बिंबिसार किस वंश का राजा था? ये भी बिहार स्पेशल है सारे के सारे क्वेश्चन, आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा ए हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व बैठा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहां से शुरुआत की थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा चंपारण। जी हाँ बिहार का एक क्षेत्र है चंपारण, उस क्षेत्र से 1917 ईस्वी में इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये एक व्यावसायिक बैंक का उद्घाटन किया गया था 1955 में, इसकी स्थापना की गई थी किसकी? SBI बैंक की, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपको करना है दोस्तों, इसराइल में किया गया है इसका स्थापना, ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। सार्क का सबसे बड़ा सदस्य देश कौन है? माफ़ कीजिएगा, सबसे नया सदस्य देश है, ठीक है। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी अफगानिस्तान, जो कि 8 अगस्त 1985 में इसको जोड़ा गया था सार्क में, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछ दे अगर सार्क का, तो क्या बताना है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, ठीक है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? चलिए 41 का आंसर कीजिएगा, इट्स ए न्यूयॉर्क में। शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? चलिए आंसर कीजिएगा, ये क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, इट्स सी औरंगजेब ने कैद कर रखा था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? ये भी क्वेश्चन रिपीट है, मैं आपको बता चुका हूँ मॉडल टेस्ट पेपर्स में, ठीक है 43 का आंसर कीजिएगा, इट्स सी सन 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? ये क्वेश्चन भी आपको बताया हूँ मैं, जल्दी से आंसर कीजिए, आप लोग क्यूज़ को देखिए नहीं यहाँ पे अटेंड भी करें। 44 का आंसर हो जाएगा, इट्स बी 1905 ईस्वी में।
राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है दोस्तों? 45 का आंसर कीजिए दोस्तों जल्दी से, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए अपने आंसर को। जो लोग जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारे क्यूज़ पहुँचाए जा सके। 45 का आंसर होगा दोस्तों ए, राष्ट्रपति करता है, ये बुलाता है बैठक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र क्या होनी चाहिए? तो आंसर यहाँ पे होगा दोस्तों, जल्दी से आंसर कमेंट कीजिए, 21 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, 47 का आंसर क्या हो जाएगा? इट्स ए डी, पटियाला में, जी हाँ। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जसपाल राणा, जल्दी से आंसर कीजिए, जी हाँ, निशानेबाजी से संबंधित है, आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, है ना, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित हैं? जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए जल्दी से इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना अपने को, है ना, आंसर कीजिएगा 49 का बी, परमार, ठीक है, राजवंश से संबंधित है परमार से। 50वां क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले से स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किले में है मोती मस्जिद, दोस्तों इसका आंसर कीजिएगा, 50 का आंसर हो जाएगा बी, औरंगजेब ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह को आग किस दिन लगाई गई थी, किस दिन भड़की थी? तो 51 का आंसर कीजिएगा, 10 मई 1857 को। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था? जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, क्यूज़ है ये, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखिए प्रीवियस ईयर से कम इतने तो पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है ना, आंसर डी हो जाएगा, 30 जनवरी 1948 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना की गई? तो 53 का आंसर कीजिएगा, जल्दी आंसर कीजिएगा 53 का आप लोग, जी हाँ, नेपाल में, ठीक है, याद रखिएगा। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र यहाँ पे बहाल किया गया है? तो नेपाल में, ये करंट का क्वेश्चन है जरा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, 30 साल, जी हाँ, राज्यसभा के लिए मैंने आपको बता चुका हूँ 30 साल उम्र होनी चाहिए। वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? तो आंसर कीजिएगा 55 का डी, जी हाँ, देश अपना भारत, ठीक है, 2010 में किया था, ये आपको पूछा गया है 2008 का क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा फ्यूचर टेंस में पूछा गया है। वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का आयोजन स्थल क्या था? 56 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जल्दी से आंसर होगा दोस्तों, चाइना में हुआ था, ठीक है, 2008 में ओलंपिक खेलों का उद्घाटन। दोस्तों श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? जल्दी से आंसर कीजिएगा, श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है दोस्तों दूध से है, लिख लीजिएगा, तीव्र वृद्धि से श्वेत क्रांति कहलाता है ये। ऑपरेशन फ्लड का संबंध भी दूध से है। क्वेश्चन नंबर 58, सतलज चिनाव और रावी नदी जो है किसकी सहायक नदियां हैं? तो 58 का आंसर कीजिएगा जल्दी से, चलिए फटाफट आंसर करते रहिएगा, आंसर हो जाएगा इट्स अ सी, सिंधु की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे WWE के भागीदार द ग्रेट खली का असली नाम क्या है? तो आंसर कीजिएगा दिलीप सिंह राणा, क्या नाम है इनका? दिलीप सिंह राणा, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 60, पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से रहा था? देखिए कुछ क्वेश्चन आप लोग अगर 60 क्वेश्चन कर गए, यहाँ पे कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये 2008 का पेपर है और जो 2008 में फेमस थे, जिनके बारे में चर्चाएं ज़्यादा थी, उनसे ज़्यादा रिलेटेड क्वेश्चन करंट के पूछे गए थे। तो कुछ इस तरह का ही सिनारियो रहेगा 2019 में, तो आपको कम से कम 2018, 2017 और 2019 ये 3 साल का करंट को घोल के पी जाना होगा, जो कि मैं आपको रोज सुबह में करा भी रहा हूं, ठीक है। तो पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वादन से है? तो आंसर कीजिएगा सितार से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहां पे निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा गया था?
तो देखिए लोकनायक कहा गया था दोस्तों यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक को, आंसर सी हो जाएगा। लोकमान्य किसको कहा गया था, तो ये भी कहा गया था बाल गंगाधर तिलक को ही, ठीक है। लोकहितवादी किसको कहा गया था, तो लोकहितवादी कहा गया था गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। और जननायक तो कर्पूरी ठाकुर को, और अजात शत्रु तो राजेंद्र प्रसाद को, और महामना तो मनमोहन मालवीय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से कहाँ पे है, चलिए 62 का आंसर कर दीजिएगा जल्दी से, फतेहपुर सिकरी। जी हाँ, जिनका उत्तर यहाँ पे सी आ रहा है वो बिल्कुल सही उत्तर है उनका। एक लंबे अंतराल के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, ये कौन सा एक्सप्रेस चलाया गया था, जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये करेंट का क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आंसर देना चाहिए। चलिए आंसर हो जाएगा मैत्री एक्सप्रेस चलाई गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, आंसर कीजिएगा 64 का बी, संसद के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे, जल्दी से आंसर कीजिएगा, आंसर कीजिएगा पुर्तगाल से। जी हाँ, पुर्तगालियों का यहाँ पे आगमन जब हुआ था तो ये व्यापारिक संबंध जो थे यूरोपीय देश से बने थे यहाँ पे भारत के। वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है, जल्दी से आंसर कीजिएगा। वेलिंगटन कप का संबंध है दोस्तों हमारे हॉकी से, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, प्राकृतिक यानी कि नेचुरल, नेचुरल, ठीक है, नेचुरल उपग्रह है हमारा चंद्रमा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जातक पवित्र ग्रंथ है, 68 का आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, इट्स अ सी, बौद्धों का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है, 69 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ डी, लाल सागर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 70 भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्म उपदेश दिए थे कहाँ पे, 70 का आंसर कीजिएगा, इट्स अ सी, सारनाथ में। जी हाँ, मैं बता चुका हूँ ये सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं बता रहा हूँ। आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से था, चूँकि अब हट चुका है, ये बता दें कि जम्मू कश्मीर से था, और ये हट के अब दो राज्य बनाए गए हैं, J&K यानी कि जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख, दोनों ही केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजमनामा फारसी के अनुवाद थे, 72 का आंसर कीजिएगा दोस्तों महाभारत के, नोट कर लीजिएगा, आ सकता है एग्जाम में। वह मुगल सम्राट जिसका दो बार अभिषेक हुआ था वो उनका नाम बताइए, जल्दी से आंसर होगा दोस्तों 73 का डी, औरंगजेब। जी हाँ, मुगल सम्राट औरंगजेब का दो बार राज्य अभिषेक किया गया था, 31 जुलाई 1658 को आगरा में हुआ था, और 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया था, तब हुआ था। और शाहजहाँ का जो शानदार महल में 1659 को ही दूसरी बार ये राज्य अभिषेक करवाए थे अपना। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था, 74 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स बी, 1632 ईस्वी में अंग्रेजों का सुनहरा फरमान 1632 में ये दिया गया था दोस्तों। 75, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था अपना, ये देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आंसर कीजिएगा बी, 1510 ईस्वी में पुर्तगाली भारत आ चुके थे, और इन्होंने अपना एक उपनिवेश भी भेजा था यहाँ पे, ठीक है, 450 साल तक ये शासन किए थे हमारे गोवा में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 76, रेशम किसके उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स अ बी, रेशम के कीड़े के प्यूपा में से। अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सेलफोन के कम काम करने के लिए निम्न में से कौन सा अत्यावश्यक है, तो 77 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, मोबाइल के सेलफोन के काम करने के लिए उपयुक्त में से सभी आवश्यक हैं, यानी कि जो सभी दिए गए हैं ए बी और सी, ये सभी आवश्यक हैं, आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर की कुंजी पाताल की कुंजी परंपरागत टाइप्रो इट्रो के उपलब्ध नहीं है, टाइपराइटरों के में उपलब्ध नहीं है, देखिए कंप्यूटर से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा 78 का दोस्तों, इट्स अ सी, एंटर, जो कि आपके टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द इंटरनेट की कार्यप्रणाली से जुड़ा हुआ है,
कंप्यूटर से क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर की क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप लोग एजुकेशन की 86 पे जाके अभी 6 बजे से क्लास है वहाँ पे, ज़रूर देखिएगा। जी हाँ, बिहार बेल्ट्रॉन कंप्यूटर ऑपरेटर का ये क्यूज़ कराया जा रहा है यहाँ पे। अगर आंसर है दोस्तों 79 का, इट्स अ जी, इट्स अ डी, उपरोक्त सभी, जी हाँ ये सभी इंटरनेट के कार्य प्रणाली से संबंधित हैं, www, HTTP और ईमेल। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं? 80 का आंसर कर दीजिएगा आप लोग सी, जो ब्लड ग्रुप ओ होता है यूनिवर्सल डोनर कहलाता है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। वो जो है ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसी भी ग्रुप को, किसी भी व्यक्ति को अपना खून दे सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे ताने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 81 का, इट्स डी, जी हाँ गन्ने का। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं यहाँ पे, एड्स का पूर्णतः रूप क्या है? तो एड्स का पूर्णतः रूप है दोस्तों एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम। इस रोग के विषाणु का नाम है HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी। यह रोग सुरक्षित यौन संबंधों, असुरक्षित यौन संबंधों से रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों का अधिकतम सेवन करने से फैल सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? तो आंसर कीजिएगा इट्स सी, लैक्टिक एसिड, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, बता चुका हूँ। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? तो आंसर कीजिएगा 84 का आंसर दोस्तों यहाँ पे, संतरे जो हैं वो किसके प्रबल स्रोत हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा 84 का, जी हाँ विटामिन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 85, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के होने से नहीं होता है? तो 85 का आंसर कीजिएगा, घेंघा जो है ये मच्छरों के चलते नहीं होता है, ये आयोडीन के कमी से होता है। दोस्तों पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? जल्दी से आंसर कीजिएगा, 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, पालक में जो पालक का साग खाते हैं आप लोग, है ना, पालक का साग होता है उसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा? आयरन होता है, याद रखिएगा, आंसर बी हो जाएगा। दंत क्षय का कारण क्या है दोस्तों? जल्दी से आंसर कीजिएगा, 87 का आंसर हो जाएगा सी, बैक्टीरिया जनित संक्रमण होते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? जल्दी से आंसर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पे, 88 का आंसर कर दीजिएगा ए यहाँ पे, टिटनेस का, ओके। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, 89 का आंसर कीजिएगा दोस्तों, ये थे भौतिक शास्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन 90, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? फटाफट आंसर कीजिएगा, यहाँ पे बहुत इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो इस तरह के पैटर्न के एग्ज़ाम में हमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए तो टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, 90 नंबर का क्वेश्चन है, आंसर जल्दी से कीजिएगा यहाँ पे। जी हाँ, जिनका उत्तर आ रहा है बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने आविष्कार किया था टेलीफोन का, और ग्रामोफोन जो है उसका आविष्कार थॉमस अल्वा एडिशन ने किया था, याद रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों 91 का, जल्दी से आंसर कीजिए फटाफट, आंसर है यहां पे ए, जेम्स वॉट द्वारा इसका आविष्कार किया गया था भाप के इंजन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 92, PSLV का अर्थ क्या है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म बताइए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म होता है, आंसर लिख लीजिएगा, 92 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन 93 देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? आंसर कीजिएगा 93 का जल्दी से यहाँ पे, तो 93 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, जी हाँ अपरिवर्तित रहता है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं 94, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? 94 का आंसर कीजिएगा, इट्स ए कार्बन डाइऑक्साइड, हमेशा ये जिम्मेदारी रखता है अपने पास ग्लोबल वार्मिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसके अपरंपरागत, जी हाँ अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? 95 का आंसर जल्दी से कर दीजिएगा आप लोग, चलिए फटाफट यहाँ पे दोस्तों, वेट बिल्कुल मत कीजिए, आंसर कीजिए डी, जी हाँ टॉर्च। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 96, निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं?
किससे विद्युत धारा का मापन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 96 का आंसर कीजिए, एमीटर से, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 97। डायनेमो यह यंत्र है जो कि निम्न परिवर्तित करता है, निम्न को परिवर्तित करता है डायनेमो, जी हाँ बी हो जाएगा आंसर, ऊर्जा यांत्रिक को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वनीकृत लौह चादरों पर निम्न पर परत चढ़ी है किसकी, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों यहां पे 98 का आंसर कीजिएगा जल्दी से, इट्स अ बी, शीशे का परत चढ़ा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां पे पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ, तो जल्दी से आंसर कीजिएगा, ये है दोस्तों बी, हीरा होता है, डायमंड होता है, ठीक है, अधातु है और कार्बन का अपरूप भी इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 100 नंबर है, आंसर कीजिएगा, वाशिंग सोडा किसका सामान्यतः नाम है, वाशिंग सोडा नाम है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 10H2O इसका एक रासायनिक फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों आज के इस पूरे सिनारियों में आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और इन 100 प्रश्नों का उत्तर भी करते रहें, जितने भी लोग ने आंसर किया है उनके उत्तर कितने सही हैं कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, PDF जाके YT एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।